यस बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 13 रुपया 70 पैसे में है और इसका दूसरी तिमाही का नंबर्स आने थे, नतीजे आने थे 22/10/2021 को। तो Q2 के नंबर्स को देखते हैं, रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट, EPS और ग्रॉस अनपेज और नेट अनपेज की बात करेंगे। प्रावधान क्या रहा है, प्रोविजन क्या किया है यस बैंक ने, तो ये नंबर्स को देखते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। प्राइस की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो एक रेंज में घूम रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी उम्मीद है यस बैंक से, बट ये कि पिछले कुछ 5-6 महीने के अनुसार मार्च के बाद इसमें एक बड़ी तेजी नहीं आई है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस और ईपीएस की बात कर लेते हैं और प्रावधान क्या किया है बैंक ने उसको देख लेते हैं। दोस्तों यस बैंक के दूसरे तिमाही के नंबर्स को चेक कर लेते हैं और टोटल इनकम की बात करते हैं सीधे से, और Q2 FY22 में 2,290 करोड़ का टोटल इनकम है और Q1 में था 2,271 करोड़ और Q2 में था Q2 FY21 एक साल पहले 2,571 करोड़। तो देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 1% की बढ़ोतरी हुई है मात्र, और साल दर साल के हिसाब से देखते तो माइनस है, 11% का माइनस है। अब की बार 2,290 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है और आगे की तरफ चलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं तो 678 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और Q1 में था 733 करोड़ और एक साल पहले 1,251 करोड़। तो देखिए ये माइनस है और आगे की तरफ चलते हैं, प्रोविज़न की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और अब की बार का जो प्रोविज़न इन्होंने किया है 377 करोड़ का प्रोविज़न है इस क्वार्टर में और Q1 में था 457 करोड़ और एक साल पहले 1,078 करोड़। तो देखिए एक तरह से जो प्रोविज़न किया है कम किया है और परसेंटेज के हिसाब से देखते तो 17% का कम है और एक साल के अनुसार देखते तो 65% का कम है दोस्तों। तो प्रोविज़न एक तरह से कम हुआ है, बैंक के लिए अच्छा है। और अब सीधे से नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और Q1 में था 207 करोड़ का और एक साल पहले बात करते हैं तो 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। जब रेवेन्यू कम हुआ है बट ये कि प्रॉफिट की बात करते हैं 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है Q2 में, बैंक के लिए अच्छा है और कारण ये है कि प्रोविज़न कम हुआ है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं 9% का क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से और 74% का प्रॉफिट हुआ है साल दर साल के हिसाब से। तो बैंक ने प्रॉफिट किया है 225 करोड़ का और एक तरह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने झोली भर भर के अपने डीमैट अकाउंट में रखा है तो इम्प्रूवमेंट हुआ है Q2 में, बट ये कि रेवेन्यू अगर देखते हैं, रेवेन्यू है दोस्तों वो कम है थोड़ा सा। दोस्तों ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीएस जो है 30 सितंबर 2021 तक 14.97% का है और नेट एनपीएस की बात करते हैं तो 5.55% का है और June 30, 2021 में 15.60 का था दोस्तों। तो एक तरह से देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैंक में, बट ये कि 14.97% अभी भी काफ़ी ऊपर की तरफ है, जैसे कि जो बड़े बैंक्स हैं लगभग 1.5% 2% हद से ज़्यादा देखें तो 5% तक का ग्रॉस एनपीएच है और नेट एनपीएच लगभग 1-2% का रहता है। तो ये कम होना बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले दिनों में। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों, और इस क्वार्टर में है 0.09 का है और एक साल पहले देखते तो 0.06 और Q1 में 0.08 का, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है बैंक में। दोस्तों अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं, स्टॉक प्राइस देखिए 13 रुपया 70 पैसे में है और जिस तरह का रिजल्ट आया, प्रॉफिट बढ़िया आया है, रेवेन्यू में कमी पेशी है और स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, नीचे की तरफ देखते हैं तो 10 रुपया 95 पैसा 9 सितंबर 2021 को था, ऊपर की तरफ ये गया है लगभग 14 रुपया 70 पैसा और जून के महीने में भी ऊपर की तरफ था दोस्तों, ये लगभग 14 रुपया 75 पैसा। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये ऊपर की तरफ लगभग 16 रुपया 30 पैसे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखिए एक तरह से पेनी स्टॉक है और बैंक में इंप्रूवमेंट हो रहा है और खबरों में काफ़ी बना रहता है, जिनके पोर्टफोलियो में है स्टॉक तो समय देना पड़ेगा अभी भी। और जो इसने हाई बनाया था दोस्तों दिसंबर के महीने में, तो जिस तरह का रिजल्ट है अगर ये 16 रुपया 30 पैसे के ऊपर क्लोज होगा आने वाले दिनों में तब फिर यहाँ तक जाता हुआ देख सकता है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी इसी तरह का अगर रिजल्ट रहता है, रेवेन्यू अगर बढ़ के आता है और प्रॉफिट भी रहता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा।
अब जिनके पोर्टफोलियो में समय देना चाहिए इसको, बट ये कि ढेर सारा स्टॉक खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि एक तरह से लिगाड़ बना हुआ है पिछले कुछ समय से, थोड़ा बहुत जंप आता है फिर गिर जाता है। जब यस बैंक गिर जाता है तो कहते हैं कि इससे दूर रहिए, और जब थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है तो खरीदना चाहिए। तो फिलहाल देखिए, जिन निवेशकों के पास यस बैंक है अभी भी समय देना पड़ेगा, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैंक में धीरे धीरे। और प्राइस की बात करते हैं तो जो इसने 20 रुपया बनाया है तो 16 रुपया 30 पैसे के ऊपर क्लोज होगा, तब इसमें एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। और लोअर लेवल पे देखिए 12 रुपया और 11 रुपये के आसपास तक आ सकता है अगर गिरावट होगी, बट बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है तो ऊपर की तरफ अगर ये 14 रुपये 75 पैसों को क्रॉस करता है तो एक तेजी आने की संभावना रह सकती है। दोस्तों दोस्तों यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर भी नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।